जब चुनाव युद्ध भूमि में होते हैं तो सभी सीटें लड़ने का दावा होता है और युद्ध को जब लड़ते हैं तो जीतने का दावा होता है। बीजेपी बीजेपी वाले तो ये तो आप वो उनके जो भविष्य वक्त है उनसे चर्चा कीजिए, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं और कर्म कर रहे हैं। कांग्रेस के बागियों को टिकट देकर अब अपनों को मनाना बना चुनौती। प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस और भाजपा में रोज नए सियासी गणित बन और बिगड़ रहे हैं। कांग्रेस के बागियों को टिकट दे दिए मगर भाजपा के सामने बागियों को मनाने की बड़ी चुनौती है। हालांकि बगावत के मामले में भाजपा को ज्यादा अनुशासित माना जाता है पर कोई स्थापित नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भाजपा के आड़े आ सकती हैं। प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस और भाजपा में रोज नए सियासी गणित बन और बिगड़ रहे हैं। बागी विधायकों और निर्दलियों के भाजपा में शामिल होने से कई नेताओं में नाराजगी बढ़ गई है। इसमें उन विधानसभा क्षेत्रों में इससे भीतरघात हो सकता है जिसमें वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी चुनाव हारे हैं। इन नेताओं को ये चिंता सताने लगी है कि बागियों और निर्दलियों को विधानसभा प्रत्याशी बनाए जाने से उनके भविष्य का क्या होगा। इन भाजपा नेताओं पर अब कांग्रेस पार्टी की पैनी नजर है। इन नेताओं को कांग्रेस में शामिल करने के लिए मंत्रणा चल रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसे इशारों इशारों में भी कह गए हैं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित न करने के पीछे यही बड़ा कारण है। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक रहे रवि ठाकुर के भाजपा में शामिल होने से पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडे ने भी समर्थकों के साथ इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कुटलहर से 5 बार के विधायक रहे वीरेंद्र कंवर के समर्थक भी इससे खुश नहीं है। वह कुटलहर के नए प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो के स्वागत कार्यक्रम में शामिल न होकर खुद की नाराजगी के संकेत दे चुके हैं। वहीं नालागढ़ के निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा के प्रत्याशी रहे लखविंदर सिंह राणा ने उनसे धोखा होने की बात कही है और वे भाजपा के मंच पर ही भावुक होकर रोने लग गए। देहरा से होशियार सिंह के भाजपा में शामिल होने से रमेश ध्वाला भी नाराज है। चैतन्य शर्मा के भाजपा में शामिल होने के तुरंत बाद गगरेट से पिछले भाजपा प्रत्याशी रहे राकेश कालिया ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। इस तरह से कुछ अन्य हलकों में भी असंतोष है। इसका डैमेज कंट्रोल भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अब बयान देने लग गए हैं कि भाजपा के नेता उनके संपर्क में हैं और उनसे जरूर समय आने पर बात की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 25 जो भाजपा के विधायक हैं उनमें से भी कई उनके संपर्क में हैं और जल्द उनसे बातचीत हो सकती है।